एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ बर्गर। बर्गर बनाने के लिए मैंने लिया है टमाटर, जिसको मैंने स्लाइसेस में काट लिए हैं। लिया है मैंने खीरा और थोड़ी सी पनीर ली है मैंने, और ऑनियन को भी मैंने इस तरह से काट लिया है। और मैंने लिया है चीज। बर्गर बनाए और बर्गर में चीज ना डाले ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और मैंने लिया है अमूल का लाइट बटर। चीज और अमूल का लाइट बटर लिया है मैंने, अमूल का ही चीज भी लिया है मैंने। और मैंने लिया है ब्रेड क्रम्ब को, ब्राउन ब्रेड लेकर मैंने ब्राउन ब्रेड को ब्रेड क्रम्ब बना लिया है इस तरह से। और मैंने लिया है सॉस बनाने के लिए, बर्गर सॉस बनाने के लिए मैंने लिया है फ्रीक बर्गन का मायोनीज, हर्ब्स एंड गार्लिक वाला, हर्ब्स एंड गार्लिक वाला मायोनीज लिया है मैंने फ्रीक बर्गर का, फ्रीक बर्गन का। और लिया है मैंने फ्रीक बर्गन का ही पेरी पेरी चिली सॉस, पेरी पेरी चिली सॉस। और ये है पिज्जा पास्ता सॉस, वेरी इजी वे टू मेक बर्गर सॉस। सारे सॉस, इन तीनों सॉस को हम मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत ही इजी टेक्निक है। आप देख सकते हैं ये पिज्जा पास्ता सॉस है फ्रीक बर्गर का। ये है मायोनीज, हर्ब्स एंड गार्लिक। इसमें हमें अलग से कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। और हमारे बर्गर में थोड़ा सा तड़का लगाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पेरी पेरी चिली सॉस। अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे ब्लैक पेपर, एवरेस्ट का ब्लैक पेपर लिया है मैंने, एक पिंच डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हर्ब्स, इसमें सॉल्ट, इसमें सब कुछ मिक्स है। हमें अलग से इसमें कुछ भी मिक्स करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो हमारा बर्गर सॉस बनकर रेडी हो गया है। ये बहुत यम है, आप ही एक बार ट्राई जरूर करें। अब हम यहाँ बर्गर के लिए टिक्की प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए मैंने आलू बॉईल कर लिया है इस तरह से। ये 7 से 8 आलू है जिसे मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। ऑरिगेनो डालेंगे, ऑरिगेनो डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे और डालेंगे सॉल्ट। 1 अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे या फिर 1 टीस्पून डालेंगे। और डालेंगे यहाँ भुना जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर डालेंगे। और हम इसमें डालेंगे पनीर, पनीर को इस तरह से ग्रेट करके डालेंगे।
अब हम इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर हम पेटी बनाना स्टार्ट करेंगे और उसको फ्राई करेंगे। आलू की टिक्की बनाने के लिए हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। हम आलू की टिक्की इस तरह से प्रिपेयर करेंगे। इतनी बड़ी टिक्की हमें प्रिपेयर करनी है। इस तरह से आलू की टिक्की लेकर ये मैंने कॉर्नफ्लोर या कॉर्नस्टार्च पाउडर आप ले सकते हैं और इसका मैंने घोल बना लिया है। घोल बना के रख लिया है। इसको हम पहले इसमें डिप करेंगे। अब हम इसे इसमें डिप करेंगे। कोई बात नहीं है, अगर थोड़ा टूट गया है तो इसे आप उस तरह से ठीक करिए। साइड में इसके एजेस इस तरह से फोल्ड करते हैं। स्लो फ्लेम पे अब हम इसे फ्राई करेंगे।
हम अपना बर्गर भी हमारी क्रिस्पी टिक्की बनके रेडी हो गई है। देखिए हमारी क्रिस्पी टिक्की बनकर रेडी हो गई है। इस तरह से काट लेंगे। स्प्रेड करेंगे। इसको फ्राई करेंगे। तरह से स्प्रेड कर दे। क्रिस्पी हो गई है। फिर सारा बटर डालें तवे पे और इसको फ्राई करें। अब हम इस पे अपना प्रिपेयर किया हुआ ये सॉस लगाएंगे। हमारी दूसरी टिक्की भी रेडी हो गई है। ये देखिए हमारी दूसरी टिक्की भी रेडी हो चुकी है। हमारा बर्गर भी बनकर रेडी हो गया है। अब हम इस पे सॉस लगाएंगे। अब हम इस पे रखेंगे प्याज।
कुकुम्बर डालेंगे, टोमेटो डालेंगे, बीच में डालेंगे हम अपना चीज। चीज के बाद डालेंगे अपनी ये क्रिस्पी टिक्की। टिक्की के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सॉस लगाएंगे इस पे। इसमें हम डालेंगे, बहुत गर्म हो रखा है, हमारा बर्गर बनकर रेडी है। अब हम इसे थोड़ा क्रश करते हैं, इस तरह से हम इसे दबा देंगे। हमारा टेस्टी बर्गर बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं कि बर्गर में चीज भी है, क्रिस्पी टिक्की भी है, क्रिस्पी टिक्की वेज बर्गर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम दूसरा बर्गर बनाएंगे। बर्गर में बटर लगाएंगे, उसको तवे पे फ्राई करेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे और खूब सारा बटर डालेंगे। बर्गर में बटर ना डाले तो फिर बर्गर क्या खाया। और साथ साथ मैं अपना पेटी भी फ्राई करती रहूँगी। अब हमारा बर्गर बन बनके रेडी है और अब हम उस पर सॉस लगाएंगे, फिर कुकुम्बर रखेंगे, ऑनियन, टोमेटो सब रखेंगे, फिर उसके बाद हमारा टिक्की रखेंगे। पेटी रखने के बाद चीज स्लाइस, पनीर डालेंगे और हमारा बर्गर बनकर रेडी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप भी बनाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं।